नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीएमआर भारत टीवी में और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान पथ परिवहन निगम का अनुपगढ़ में कार्यरत वरिष्ठ सहायक 15,000 रुपए की रिश्वत लेते मंगलवार को एसीबी के शिकंजे में फंस गया, जिसे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीगंगानगर की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ सहायक भूपराज पारिक ने परिवादी के विरुद्ध लगाए गए अवैध सवारियों के रिमार्क संबंधी फैसला उसके पक्ष में उच्चाधिकारियों से कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसे एसीबी ने 15,000 की रिश्वत लेते धर दबोचा। कार्रवाई के बाद एसीबी की टीम ने भ्रष्ट वरिष्ठ सहायक के आवास पर अन्य ठिकानों की तलाशी ली। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की श्रीगंगानगर इकाई को परिवादी की ओर से शिकायत दी गई कि अनुपगढ़ में कार्यरत राजस्थान रोडवेज के वरिष्ठ सहायक भूपराज पारिक ने उसके विरुद्ध लगाए गए अवैध सवारियों के निर्माक संबंधी फैसला उसके पक्ष में उच्च अधिकारियों से करवाने के एवज में रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है। इस पर एसीबी श्रीगंगानगर इकाई के पुलिस उप अधीक्षक भूपेंद्र सोनी के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। इसके बाद मंगलवार को पुलिस निरीक्षक वीरेंद्र सीला और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ सहायक भूपराज पारिक जिला हनुमानगढ़ को 15,000 रुपए की रिश्वत राशि देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसके बाद मौके पर ही कागजी कार्रवाई पूर्ण की। बहरोड की नगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर 29 श्याम नगर की मेन सड़क की ऊंचाई 2 फीट से अधिक उठा दी गई, जबकि सड़क से लगते हुए वार्ड नंबर 30 की गलियां नीचे होने की शिकायत करने पर अच्छी खासी बनी सीसी सड़क के ऊपर कच्ची मिट्टी डालकर उसको भर दिया गया एवं सभी घरों के सामने के रैंप तोड़ दिए गए, जिससे महिलाओं और बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और भारी बारिश से मौसम में गली पूरी दलदल बन चुकी है। नाली के पानी निकलने की व्यवस्था बन चुकी है और साथ ही बहरोड नगर पालिका की बेशर्मी का एक नायाब उदाहरण है कि बिना वजह वार्ड 30 के वासियों को परेशान कर रही है। नगर पालिका बहरोड एएन भी सौर ध्यान नहीं दे रहे, कोई जिम्मेदारी भरा जवाब इसके पीछे सड़क ना पड़ने के कारण चेयरमैन सीताराम निकाल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष से बदला लेनी, लेकिन आमजन को परेशान हो रही है। राजनीति का एक गंदा रूप नगर पालिका बहरोड में देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष ओम यादव का कहना है कि नगर पालिका चेयरमैन सीताराम यादव अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए बड़े मन की बात रखने की बात करते हैं और बहरोड नगर पालिका वासी ये देख रहे हैं कि किस तरह से बदले की भावना और तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है। मेरे द्वारा लगातार भ्रष्टाचार को उजागर करने पर चेयरमैन बदले की भावना से राजनीति कर नगर पालिका ठेकेदारों के साथ जमकर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं और अब वार्ड नंबर 30 के वासी चेयरमैन और नगर पालिका की मनमानी के आगे नहीं झुकेंगे। नगर पालिका आईओ रोहित मील और एएन सुमित कुमार वर्मा की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जाएगी। श्री गंगानगर में रावला के 7 केएनजी गांव में आबकारी टीम पर हमला हो गया। गांव में कई लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया। दरअसल अवैध शराब को लेकर रेड मारने गई थी टीम, तभी टीम पर यह हमला हुआ। मौके से जान बचाकर आबकारी टीम को भागना पड़ा। इस हमले में आबकारी के पीओ राजेश कुमार को गंभीर चोटें आई हैं। पीओ राजेश कुमार का रावला के अस्पताल में इलाज चल रहा है। जयपुर में तेज रफ्तार क्रेन ने पुलिस व्हीकल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पुलिस व्हीकल में सवार मानसरोवर थाने के 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। झगड़े की सूचना पर जाते समय पुलिस टीम के साथ यह हादसा हुआ। मानसरोवर थाने की दूसरी टीम ने घायल साथी पुलिसकर्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया। पीछा कर पकड़ी क्रेन को सीज कर ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। हादसे के बाद ड्राइवर क्रेन को मौके से लेकर फरार हो गया। घायल पुलिसकर्मियों की सूचना पर गश्त कर रही मानसरोवर थाने की गाड़ी घटना स्थल पर पहुंची। हादसे में घायल एसआई सहित 6 पुलिसकर्मियों को तुरंत पास के स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल भिजवाया गया। पुलिस गश्ती दल ने टक्कर मारने वाली क्रेन की तलाश शुरू की। मौके से भागी क्रेन को पुलिस टीम ने करीब 5 किलोमीटर दूर पीछा कर पकड़ लिया। शराब के नशे में धुत मिला ड्राइवर अपना नाम तक नहीं बता पा रहा था। पुलिस ने क्रेन को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के NIA DG को लेटर लिखकर उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की हत्या करने वाले दोनों अपराधियों के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए जाने और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मोहम्मद रियाज अंतारी को BJP का एक्टिव मेंबर बताए जाने पर सियासत गरमा गई है। BJP के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने डोटासरा के लेटर को पोस्ट करते हुए ट्वीट में पलटवार किया है। राठौर ने कहा कि सोशल मीडिया में वायरल हो रही ट्विटर रचित फोटो के आधार पर डोटासरा ओछी राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले उन्हें मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में छबड़ा सांप्रदायिक हिंसा के मुख्य आरोपी आसिफ हंसारी के शरीक होने के वायरल हुए फोटो की जांच जरूर करानी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए VMR भारत TV के साथ। नमस्कार।